नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन भारत। आई नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रविंद्र भवन में गोवर्धन पूजा का आयोजन, सीएम मोहन यादव हुए शामिल, पीसी सचिव जीतू पटवारी हुए हमलावर मोहन सरकार पर साधा निशाना। निंडोरी में महिला से अमानवीय हरकत का मामला, 5 माह गर्भवती महिला से साफ करवाया खून, पति की मौत के बाद बेड से साफ करवाया खून, उप मुख्यमंत्री ने दिए जांच के निर्देश। उज्जैन में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, विधायक महापौर निगम सभापति ने गोवर्धन पर्वत का पूजन किया, भोपाल में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। रायसेन में दशहरा मैदान में भैंसों का दंगल, 80 सालों से चली आ रही परंपरा, यादव समाज द्वारा होता है आयोजन, लड़ाई देखने दूर दूर से आते हैं लोग। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको बता देते हैं कौन सी वे 4 बड़ी खबरें। आपको बता दें, पहली खबर है भोपाल से, दूसरी खबर आ रही है डिंडोरी से, तीसरी खबर उज्जैन से है, वहीं चौथी और आखिरी खबर रायसेन से है। आपको बता दें, भोपाल में रविंद्र भवन में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हमलावर हुए हैं, मोहन सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। दूसरी खबर है डिंडोरी से, जहां पर डिंडोरी में महिला से अमानवीय हरकत का मामला सामने आया है, 5 माह गर्भवती महिला से खून साफ करवाया, पति की मौत के बाद बेड से साफ करवाया खून, उप मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दिए हैं। तीसरी खबर है उज्जैन से, जहां पर उज्जैन में गोवर्धन पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, विधायक महापौर निगम सभापति ने गोवर्धन पर्वत का पूजन किया, भोपाल में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। वहीं चौथी और आखिरी खबर जो है रायसेन से आ रही है, जो आपको बता दें कि रायसेन में दशहरा मैदान में भैंसों का दंगल आयोजित हुआ, 80 सालों से ये परंपरा चली आ रही है, यादव समाज द्वारा आयोजन होता है, लड़ाई देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पहली खबर भोपाल से, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में आज रविंद्र भवन में गोवर्धन पूजा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोवर्धन पर्व के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व पर केंद्रित इस आयोजन में गौ संस्कृति, परिवेश के प्रदर्शन और स्वास्थ्य आधारित लाभों पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी में मुख्य रूप से पंचगव्य उत्पाद, गौशिल्प उत्पाद, कृषि आधारित उत्पाद और दैनिक उपयोग के उत्पाद के आर्थिक महत्व को प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा, सच्चे अर्थों में किसानों की दीपावली गोवर्धन पूजा के साथ ही होती है, गांव की संस्कृति, गाय की संस्कृति का अनुभव ही अलग है। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भोपाल से आबिद मुमताज जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। आबिद, रविंद्र भवन में गोवर्धन पूजा का आयोजन हुआ, इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राज्य स्तरीय कार्यक्रम की घोषणा जो मुख्यमंत्री ने की थी, उसी के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन यहाँ पर किया गया है, और गोवर्धन पूजन को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं भी यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर कर दी गई थी। तो गोवर्धन पूजा जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित उनके जो पशुपालन मंत्री है लखन पटेल, उसके अलावा जो राज्य की मंत्री है कृष्णा गौर, और तमाम जो बड़े नेता है पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है बी डी शर्मा, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इसमें एक ही यही कहा है कि जो एक ये भी कहा कि गोचर उत्पादन आधारित जो उत्पादन है दैनिक उपयोग में जो प्रतिदिन आर्थिक आर्थिक जो महत्व है उसको प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है, और उसमें अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा है कि गोवर्धन का सच्चे अर्थों में किसानों की दिवाली गोवर्धन पूजा के साथ ही मनाई जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की है कि 590 करोड़ रुपए गौशालाओं को यहाँ पर दिए जाएंगे, तो एक बड़ी घोषणा इसको रितिका माना जा रहा है जी। वहीं इस आयोजन में जो गौ संस्कृति पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई थी, तो किस किस तरह की हमें प्रदर्शनी देखने को मिली? देखिए, यदि प्रदर्शनी की हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से पंचगाय उत्पाद, गौशाय उत्पादन, कृषि आधारित उत्पाद और दैनिक उपयोग में उत्पाद के आर्थिक महत्व को प्रदर्शित इस प्रदर्शनी में यहाँ पर किया गया था। उसका गोवर्धन पर्व की जो संस्कृति और आर्थिक महत्व जो इस पर जो केंद्रित बिंदु है उसको यहाँ पर रखा गया था जी। वही इसी कड़ी में जो है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी बयान सामने आया है, उन्होंने मोहन सरकार पर निशाना साधते हुए आबिद कहा है कि गोवर्धन पूजा को केवल इवेंट मत बनाइए, तो उन्होंने सरकार पर सीधा हमला किया, तो इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है आबिद? नहीं, निश्चित रूप से एक पत्र भी जीतू पटवारी ने जो पीसीसी चीफ है उन्होंने लिखा है मुख्यमंत्री को, और कहा कि वो केवल
इसको इवेंट तक सीमित ना रखें, वो जिस तरह से उसको मैं उनके जो गोवर्धन पूजन का जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया था मैं उसको सकारात्मक रूप से लेता हूँ, लेकिन इसके साथ ही ये भी निवेदन करता हूँ कि ये इवेंट इसको ना बनाए। तो मोहन यादव ने जो है उस पर उन्होंने पलटवारी यहाँ पर किया है, उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी को किसने मना किया, वे आए पूजा करें, उनको किसने रोका है, उनको शर्म क्यों आती है? लेकिन शर्म जब आ रही है तो उन्हें वोट बैंक की चिंता ज्यादा है। तो इस तरह का बयान जो है मुख्यमंत्री का भी सामने आया है उनके बयान के बाद। जी, और जिस तरह से गोवर्धन पूजन का आयोजन किया, तो क्या किसी और किसी कांग्रेस नेता की तरफ से हमें कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली आबिद इस पूरे मामले में? देखिए, लगातार कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया रोज ही यहाँ पर सामने आ रही थी। गोवर्धन को लेकर सरकार पर कई सवाल भी यहाँ पर खड़े किए गए थे। कांग्रेस के जो नेता है मुकेश नायक, भूपेंद्र गुप्ता, चाहे हम बात करें खुद जीतू पटवारी की, तो जीतू पटवारी ने कहा कि गोवर्धन पूजा तो सरकार करने जा रही है, लेकिन सड़कों पर जिस तरह से गाय मर रही है, जिस तरह से गौशालाओं के बुरे हाल है, उनको चारा नहीं मिल रहा, उनका फंड उनको नहीं दिया जा रहा, तो पहले गौशालाओं की चिंता कर ले, पहले सड़कों पर जो गाय मर रही है उसकी चिंता कर ले, बाद में गोबर की पूजा करे। तो इस तरह के बयान जो है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगातार यहाँ पर दिए जा रहा है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में आज रविंद्र भवन में गोवर्धन पूजा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोवर्धन पर्व के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व पर केंद्रित इस आयोजन में गौ संस्कृति, परिवेश के प्रदर्शन और स्वास्थ्य आधारित लाभों पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी में मुख्य रूप से पंचगव्य उत्पाद, गौशिल्प उत्पाद, कृषि आधारित उत्पाद और दैनिक उपयोग के उत्पाद के आर्थिक महत्व को प्रदर्शित किया गया। आपको बता दें दूसरी खबर आ रही है डिंडोरी से, जहां मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले में अस्पताल प्रशासन का अमानवीय चेहरा नजर आया है। जमीन विवाद को लेकर हुई झड़प में घायल शख्स को इलाज के लिए गाढ़ा सराय के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। मौत के बाद उसकी 5 महीने की गर्भवती पत्नी से पति के बेड पर लगे खून को साफ कराया गया। बताया जा रहा है गोलीबारी की घटना के बाद 5 महीने की गर्भवती महिला को अस्पताल के उस बिस्तर से खून साफ करने के लिए मजबूर किया गया जिस पर उसके पति की मौत हो गई थी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया है। इस बीच अस्पताल के अधिकारियों ने दावा किया है कि महिला ने सबूत इकट्ठा करने के लिए कपड़े से खून साफ करने की अनुमति मांगी थी। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि गर्भवती महिला को बेड के हर तरफ सफाई करने का निर्देश दिया गया है, साथ ही एक नर्स उसे यह सुनिश्चित करने का निर्देश दे रही है कि पूरी सतह साफ हो। वह एक हाथ में खून से सना कपड़ा पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ में से टिश्यू से बेड साफ कर रही थी। इस पूरे मामले पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रीवा से जुड़ चुके हैं, हमारे साथ डिंडोरी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। रहीम, महिला से अमानवीय हरकत का ये पूरा मामला सामने आया है जो कि वीडियो में हम साफ तौर पर देख सकते हैं, तो ये वीडियो कब का है और क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले में? आपको बताना चाहूंगा कि डिंडोरी जिले के गड़ा सरई थाना क्षेत्र के में दिवाली के दिन एक बुजुर्ग और उसके 2 बेटों की हत्या जमीनी विवाद को लेकर कर दी गई। यह मामला पुस्तैनी जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ था। दरअसल 65 वर्षीय धर्म सिंह और उनके परिवार के सदस्य कंवर सिंह के बीच कई सालों से मुकदमा चल रहा था जी। मुकदमा का फैसला धर्म सिंह के पक्ष में आया। धर्म सिंह ने कवर सिंह सदस्य के साथ काटने पहुंचे था जी, तो पहुंच गया था जी। अब इस जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है तो क्या कुछ कहना है शासन प्रशासन का, कब तक जो है इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है? डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से इस विषय में बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस तरह का वीडियो संज्ञान में आया है और प्रशासन ने तो कड़ी कार्रवाई कर ही दी है, इसके बाद जांच के बाद जो और बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो जिस अस्पताल इस तरह की लोगों को जो जिन्होंने इस तरह की गलती की उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो जिस अस्पताल से पूरा मामला सामने आया है उसके प्रबंधन का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? प्रबंधन ने जांच बैठा दी है इस चीज को लेके और उप मुख्यमंत्री का भी साफ तौर पे कहना है कि दोषी से नहीं जाएंगे।
जी, किसी जन प्रतिनिधि या राजनेता की कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है? उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ये स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री भी हैं, इनकी इनकी वर्जन आया हुआ है जी, साफ तौर पे कहा है कि दोषी बख्शेंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई जी। तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी डिंडोरी से, जहां मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले में अस्पताल प्रशासन का अमानवीय चेहरा नजर आया है। जमीन विवाद को लेकर हुई झड़प में घायल शख्स को इलाज के लिए गाड़ासराय के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई है। मौत के बाद उसकी 5 महीने की गर्भवती पत्नी से पति के बेड पर लगे खून को साफ करवाया गया है। बताया जा रहा है गोलीबारी की घटना के बाद 5 महीने की गर्भवती महिला को अस्पताल के उस बिस्तर से खून साफ करने के लिए मजबूर किया गया जिस पर उसके पति की मौत हो गई थी। आपको बता दें तीसरी खबर है उज्जैन से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार गौरक्षा वर्ष में गोवर्धन पर्व पर राज्य के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय गोवर्धन पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। उज्जैन में रत्नाखेड़ स्थित कपिला गौशाला में सुबह गोवर्धन पूजा का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोवर्धन पूजन कार्यक्रम के अवसर पर गौशाला में निर्मित विशाल गोवर्धन पर्वत की पूजा विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा की गई। इसके पश्चात विधान से भगवान गोवर्धन लाल का पूजन अर्चन किया गया। पूजन उपरांत चारा खिलाकर गौ सेवा भी की गई। कार्यक्रम में भोपाल में आयोजित मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया है। आपको बता दें कि भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में जिले के समाज सेवी गौ सेवक एवं गौशाला संचालक प्रदीप जैन को तुरज गौ सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ उज्जैन से खुजेमा जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। खुजेमा, गोवर्धन पूजन का जो है कार्यक्रम उज्जैन में भी आयोजन किया गया, जिसमें इस दौरान कौन कौन से नेता जनप्रतिनिधि मौजूद रहे? देखिए, गोवर्धन पूजा की एक परंपरा है जी, पुरानी परंपरा है। इस बार मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार बड़ी संख्या में हर जगह पर गोवर्धन पूजा का पूजन किया गया है। आज जो कपिली गौशाला में पूजन किया गया, वहाँ पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, विधायक से लेकर सांसद और जितने भी तमाम भाजपा के वरिष्ठ अधिकारी थे वो भी उपस्थित थे। और उसके साथ ही जो उज्जैन के जिलाधीशक कलेक्टर महोदय और भी उपस्थित थे इस कार्यक्रम में। वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का लाइव सीधा प्रसारण भी देखा गया, तो इस पर क्या कुछ कहना रहा जनप्रतिनिधियों का? जनप्रतिनिधियों का मुख्यमंत्री की मंशा थी कि इस बार गोवर्धन पूजन हर जगह पर किया जाए, जितने भी सांसद विधायक जितने भी मंत्री हैं उनकी उनकी मंशा अनुसार जगह जगह पर गोवर्धन पूजन किया जाए। इसकी मंशा को देखते हुए कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम इस बार किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कल उज्जैन में पहुंचे थे, तो उन्होंने एक दिन पहले ही गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम में शामिल खुद हुए थे और उन्होंने वहां से ही संदेश दिया था। और जगह जगह जहाँ भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री जी, वहाँ पर उन्होंने संबोधित करके सभी मंत्री संतरियों को बोला था कि जितने भी जगह पर आप सभी जहाँ क्षेत्र है आपका, वहाँ पर आपको गोवर्धन पूजन का कार्यक्रम करना है, वहाँ पर शामिल होना है। तो उस मंशा को देखते हुए बहुत ही रूप से हर जगह पर कार्यक्रम को देखने को मिला है। और मुख्यमंत्री जी का यही कहना है कि हमारी परंपरा इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गौ दिन पूजन करना है हमारी परंपरा में अंदर है, तो हमें यह जरूर करना चाहिए। परंपरा को बनाकर रखने के लिए हमें इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी इस प्रकार को देखते हुए परंपरा को जारी रखे जी। खुजेमा, गौ सेवा को लेकर के किस तरह से लोगों को जागरूक करना चाहिए, इसे लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार गौ सेवा जो शहर में कहीं गुरु महाराजों की हमारी इस बात को लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि जो गुरु महाराजों ने भी यही कहा कि गौ सेवा को हमेशा पालना चाहिए। घर घर लोगों को गाय तो अपने गौ को पालना चाहिए, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं अपनी भावना धर्म को लेकर व्यक्त होती है। तो सभी जगहों पर अपने एक घर में कहीं ना कहीं एक गौ माता को तो इंसान को पालन करना ही चाहिए। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा, कल संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि सभी लोग अपने अपने घर में गौशाला पाले। और हम सरकार की ओर से भी अपील कर रहे हैं, व्यवस्था उनकी जुटा रहे हैं कि कुछ जो गौ माता है जो बूढ़ी हो जाती है, कहीं किस प्रकार की बीमारी लग जाती है तो वो सड़क पर छोड़ देते कहीं लोग, तो हम उसको रखने का काम करेंगे। और इसी व्यवस्थाओं को लेकर हम लोग तैयारी में जुटे हैं। और आपको बता दूं कि उज्जैन में 5000
गौशाला बनाई जा रही है। जी, तो कितना कुछ विकास देखने को मिल रहा है उज्जैन में, किस तरह से जो है गौशालाओं का ध्यान रखा जाता है, इस बारे में बताइए, उसका किस तरह से जीर्ण उद्धार किया जाता है। पुराने अभी कुछ समय पहले की बात करें तो भाई वहां से एक साल या डेढ़ साल पहले की बात करें तो विपक्ष की पार्टी ने कहीं ना कहीं गौशाला के ऊपर जाकर और विरोध भी जताया था, कहीं सवाल भी खड़े करे थे। और जब से संज्ञान में अधिकारियों ने इस मामले को लिया है तो गौशालाओं को अब बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी देखभाल की जा रही है और वहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है कि जो भी गौ पूजन करने आता है तो उनको भी ऐसा लगता है कि हम गौ माता की वाकई में यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर पूजन किया जा रहा है और यहाँ पर देखभाल की रखी जा रही है। तो गौ माताओं को लेकर कहीं चिंता जाहिर मुख्यमंत्री जी ने भी कही है और सभी लोग धर्म गुरुओं ने भी करी थी, इसको लेकर हम अधिकारियों ने बड़ी संज्ञान में लेकर उसको अंजाम दिया है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी उज्जैन से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश अनुसार गौरक्षा वर्ष में गोवर्धन पर्व पर राज्य के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय गोवर्धन पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। उज्जैन में रत्नाखेड़े स्थित कपिला गौशाला में सुबह गोवर्धन पूजन का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोवर्धन पूजन कार्यक्रम के अवसर पर गौशाला में निर्मित विशाल गोवर्धन पर्वत की पूजा विधायक अनिल जैन, कालूहेड़ा महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा की गई। चलिए अब रुक करते हैं चौथी और आखिरी खबर की और, आपको बता दें चौथी और आखिरी खबर जो है रायसेन से है, जहां पर रायसेन में दीपावली के एक दिन बाद यादव समाज द्वारा भैंसा की लड़ाई आयोजित की गई, जिसमें नितिन बैरागी के कालुआपाड़े ने हीरापाड़े को हराया है। तो वहीं स्थानीय दशहरा मैदान पर भी लड़ाई में सुनील यादव के भूरापाड़े ने उसके ही भाई रवि यादव के पाड़े को हराया है, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायसेन से राशिद मिर जुड़ चुके हैं उस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। राशिद, रायसेन में जो है पहाड़ों का दंगल हुआ है, भैंसों का दंगल देखने को मिला, वहीं क्या कुछ परंपरा चली आ रही है 80 सालों से, इस बारे में कुछ जानकारी आपके पास विस्तार से बताइए। जी रितिका, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसा कि दीपावली देश का एक बहुत बड़ा पर्व देश में मनाया जाता है, इसी कड़ी में अगर बात की जा रहा है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में की अगर बात कर ली जाए तो मुख्यालय पे पहाड़ों की, जैसा मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जैसा कि अभी अमूमन देखा जाता है कि पहलवानों की कुश्ती होती है, लेकिन अगर दीपावली की बात कर ली जाए, जिक्र कर लिया जा रही थी का, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, हमारे दर्शकों को बता रही थी, मैं बता दूं कि इसको कुश्ती भी कहा जा सकता है कि दो परिवारों के पहाड़े आपस में लड़ाई की जाती है, कुश्ती की जाती है। इसमें जाहिर सी बात है रीति का, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक पड़ा तो जरूर जीतता है, लेकिन अगर इसको आस्था भी कहा जा सकता है रीति का, लेकिन दूसरे पक्ष की अगर बात कर ली जाए तो कुछ लोग इसको अंधविश्वास भी कहते हैं। रीति का मैं यहाँ पर जिक्र कर दूं कि सबसे पहले जैसा कि कुछ यादव समाज द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनका ये भी कहना है कि कई अर्थों से पहाड़ों की लड़ाई की जा रही है, लेकिन रीति का दिलचस्प बात वहां पर हो जाती है कि पहाड़ों की लड़ाई को देखना एक बहुत बड़ा, लोग अपने आप को मैं कह सकता हूँ किस्मत वाला भी लोग मानते हैं कि जिसको पहाड़ी की लड़ाई को लोग देखने पहुंचते हैं, और ऐसे में हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तीन जगह पर, वहां पर पहाड़ों की लड़ाई होती है, हम उसको कुछ टीवी कह सकते हैं जैसा कि लोगों का कहना है। लेकिन अगर दिलचस्प बात स्थिति का यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो दशहरा स्थानीय दशहरा मैदान में जो पहाड़ों की लड़ाई हो रही थी, ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुर्घटना भी होते से बच गई। स्थिति का मैं बता दूं कि आपस में पहाड़े लड़ते लड़ते बहक गए, भटक गए, ऐसे में कई लोग आपस में एक दूसरे से टकरा गए, गिर गए, लेकिन ऐसे में बहुत बड़ी दुर्घटना से भी इंकार नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल जैसा कि सभी जानते हैं कि पहाड़े एक तो लड़ते नहीं है रीतिका, लेकिन पहाड़े जब आपस में लड़ते हैं तो बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि पहाड़े पर बहुत ही एक दूसरे के जान के दुश्मन बनते हैं, कई बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिली है, अमूमन देखा जा रहा है सड़क पर भी कई बार पहाड़ों की लड़ाई लोगों ने देखी है, लेकिन यहाँ पर तो इसके परंपरा चली आ रही है पिछले कई अर्थों, जैसा कि एशियन भारत की अभी यादव समाज से बात हुई थी। लेकिन जैसे भी रीतिका, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उनका यही कहना था कि जैसा कि एक दिलचस्प में अभी जो की मैं बता दूं कि वहां पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है रीति का पहले, तो वो दूध प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और वो दूध प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को दिया जाता है, और उसके बाद पहाड़ों की लड़ाई की जाती है,
और ऐसे में लड़ाई के बाद जैसा कि एक अगर मैं देशी भाषा में बोल दूं कि जैसा कि गाय बाड़ों को यहाँ पर बिचकाया भी जाता है, जिससे वो उत्तेजित हो जाते हैं, कई लोगों से मारपीट हो जाती है, कई लोग उसके नीचे दब भी जाते हैं। लेकिन फिर मैं ये भी यही कहूंगा कि कुछ लोग इसको आस्था मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको अंधविश्वास भी मानते हैं। लेकिन जो परंपरा है ऋषि का वो कई अर्थ से चली आ रही है, लोग जैसा कि लोग अभी भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बता दूं, लेकिन काफी दिलचस्प नजारा जरूर जहां पर देखने को मिलता है। और ऋषि का भी यहां पर बता दूं, उनका यही कहना है कि इस जो गाय पाड़ों की जो लड़ाई कराई जाती है, या गाय भैंस पाड़ों को जहां पर जो बिछकाया जाता है या उनकी कुश्ती करवाई जाती है, उनका यही मानना है ऋषि का, कि उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं इससे दुख बीमारियां भी दूर होती हैं उनकी। इसको जो जरूर आस्था इसको मानते हैं, लेकिन प्रशासन में विलेती का अगर बात कर लिया, प्रशासन भी अपने माकूल इंतजाम यहाँ पर किए थे कोई दुर्घटना ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से भी यहाँ पर बच गई। अगर बड़ी दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता था, किसी का कोई भी दो पहाड़ों के बीच में अगर आ जाता तो उसका उसके साथ बड़ी घटना होना बिल्कुल जाहिर बात थी। लेकिन उनका यह भी कहना था कि बरसात के बाद पहाड़ों की लड़ाई की जाती है, गोवर्धन पूजा भी की जाती है, ऐसे में उनका यही कहना है कि लोगों की दो बीमारी है या जो भी उनकी मन्नत होती है जरूर जहाँ पीड़ी होती है। जी जी राशिद, जिस तरह से अभी आपने बताया कि अंधविश्वास से भी इसमें बातें जुड़ी हुई है, वहीं 80 सालों से इसका आयोजन किया जा रहा है, तो हमें जैसे कि 80 सालों से इसका आयोजन किया जा रहा है तो क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है और लोगों की किस तरह से आस्था जुड़ी है इस परंपरा से? नहीं, जैसा कि ऋतिका आपने भी जिक्र किया था, मैंने भी जिक्र किया था, मैं ये भी बता दूं, आस्था की अगर बात कर ली जाए तो लोगों का यही कहना है कि हमारी आज अगर उनके पूरे परिवार जो मामले हैं या यादव समाज के, उनका यही कहना था कि पिछले कई परिवारों से उनका ये मामला देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहाड़ों की लड़ाई कराई जाती है, जहाँ पर गाय भैंसों को बिचकाया जाता है, जिससे वो उत्तेजित हो और उसका लोग आनंद भी लेते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात कर लिया, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी अभी, जहाँ कहीं ना कहीं लोग इसमें आस्था को भी ध्यान में रखते हैं, उनकी जो आस्था होती है उनका यही कहना है कि आस्था से जो है हम लोग उनके गांव उनके समाज की बात कर ली जाए या उनके क्षेत्र की बात कर ली जाए, उनकी जो भी परेशानियां या दुख बीमारियां होती हैं इसे जरूर दूर होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि ऋतिका हम कह सकते हैं कि चूंकि साइंस का जमाना है, ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात कर ली जाए तो लोग इसको अंधविश्वास भी मानते हैं, लेकिन जो परंपरा है जो पूर्वजों से द्वारा चली आ रही है ऋतिका, कहीं ना कहीं उनकी नई पीढ़ी भी इसको आगे बढ़ाती है और यही उसका जो नमूना देखने को मिला है रायसेन जिले में, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, इसको अगर आस्था के साथ साथ इसको अंधविश्वास भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर आस्था से जुड़ी रीति का कोई बात हो तो फिर कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी पीछे रह जाता रीति का। लेकिन एक दिलचस्प लड़ाई यहाँ पर पहाड़ों की जरूर देखने को मिलती है, इसका कुछ लोग उसको कुश्ती कहते हैं, पहाड़ों की कुश्ती मानते हैं, न कुछ लोग इसको पहाड़ों की लड़ाई मानते हैं। और रीति का दिलचस्प बात जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, मैं सुन रहा था कि रीति का इसमें नाम भी दिए गए हैं बड़ा बराबर, किसी का कलुआ पड़ा, हीरा पड़ा, गोल्डन पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं पहाड़ों की बात कर ली जाए तो बड़े दिलचस्प नाम भी यहाँ पर रखे जाते हैं। और नाम के साथ साथ ऋतिका अगर मैं हमारे एशियन भारत के दर्शकों को बता दूं, काफी दिलचस्प नजारा जरूर देखने को मिलता है और इस नजारे को देखना दूर दूर से ऋतिका जरूर आते हैं। जी ऋतिका जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी रायसेन से, जहाँ पर रायसेन में दीपावली के एक दिन बाद यादव समाज द्वारा भैंसा की लड़ाई आयोजित की गई, जिसमें नितिन बैरागी के कलुआ पाड़े ने हीरा पाड़े को हराया है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप खबरों के लिए देखते रहिए एशियन भारत।